व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी अवश्य हो, यानी धन अवश्य हो। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उस पर दरिद्रता, दुर्बलता, कृपणता, असंतुष्टि और पिछड़ापन कभी नहीं टिकता है। वह हमेशा स्वस्थ रहता है, दरिद्रता से दूर रहता है, और जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो उसे समस्त सुख मिल जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे यदि समस्त सुख ना मिले तो कम से कम उसके पास पर्याप्त पैसा तो हो कि जिससे वह अपना जीवन साधारण तो जी सके। और दोस्तों, इसीलिए वर्ष में एक बार दीपावली के दिन संपूर्ण भारत में हर परिवार में माँ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हिंदू परिवार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करता है और माता से ऐसी कामना रखता है कि वह उसके घर में स्थायी रूप से निवास करे और उसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होती रहे। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कुछ वस्तुएं काफ़ी पसंद है, तो यदि आप दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय इन वस्तुओं को पूजा में रखें तो ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बड़ी ही आसानी से प्रसन्न होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो माँ महालक्ष्मी को बेहद पसंद है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र में इन वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन्हें घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह वस्तुएं धन को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपको माता लक्ष्मी के पूजन में अवश्य ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन अकेले नहीं किया जाता है, माँ लक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य ही दीपावली के दिन लानी चाहिए, और चांदी की मूर्ति हो तो यह काफ़ी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि धनतेरस या दीपावली के दिन विधिवत पूजन के बाद चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को अपने घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से नित्य प्रतिदिन इनके पूजन से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तंत्र शास्त्र में पारद से निर्मित देव प्रतिमाओं को विशेष महत्व दिया गया है। धनतेरस या दीपावली के दिन पारद से बनी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करने से, इनकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो यदि आप चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ना ला सके तो आप पारद लक्ष्मी प्रतिमा लेकर आइए। और दोस्तों, धनतेरस या दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की चांदी से निर्मित चरण पादुकाएं अपने धन स्थान पर रखें, इसकी दिशा धन स्थान की ओर जाती हुई रहे। तो आप धनतेरस या दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं अवश्य लेकर आएं और इसे पूजा में अवश्य ही रखें। पूजा के बाद आप इसे अपने धन स्थान में रख सकते हैं, उसकी दिशा इस प्रकार से रखें कि धन की ओर जाती हुई हो। इसके अलावा पूजा में कुबेर भगवान की प्रतिमा भी रखी जा सकती है। भगवान कुबेर समस्त संसार के धन की रक्षा करते हैं और धनतेरस या दीपावली के दिन इनकी प्रतिमा घर में उत्तर दिशा की ओर रखी जाती है। और दोस्तों, दीपावली पूजन में श्री यंत्र को रखे जाने का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में श्री यंत्र की विशेष महिमा बताई गई है, इसे यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। तो धनतेरस या दीपावली के दिन एक श्री यंत्र लाएं और इसकी स्थापना पूजा घर में करें और पूजा में श्री यंत्र को अवश्य ही सम्मिलित करें। तंत्र शास्त्र के अनुसार एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष महत्व रखता है। एकाक्षी नारियल के ऊपर आंख के समान एक चिन्ह होता है और इसीलिए इसे एकाक्षी यानी एक आंख वाला नारियल कहा जाता है। धनतेरस या दीपावली के दिन आप एकाक्षी नारियल लेकर आइए और इसे पूजा में अवश्य ही सम्मिलित करिए। पूजा के बाद एकाक्षी नारियल को आप अपने धन स्थान पर रखिए, इससे आपके धन में कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा दक्षिणावर्ती संख का
तंत्र मंत्र शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है, तो धनतेरस या दीपावली के दिन आप एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही अपने पूजा के लिए लाइए। पूजा के समय इसका पूजन कीजिए और इसके बाद में शंख को अवश्य ही बजाइए। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में लघु नारियल को रखे जाने का भी तंत्र और मंत्र शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। तो धनतेरस या दीपावली के दिन एक लघु नारियल लाइए और इसकी विधि विधान से पूजा करके आप लाल कपड़े में बांधकर इसे ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ किसी की नजर ना पड़े। माना जाता है कि लघु नारियल के उपाय से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को कमलगट्टा बहुत पसंद है, तो कमलगट्टा कमल से निकलने वाला एक बीज होता है और चूंकि माँ लक्ष्मी कमल पर ही विराजमान होती है, तो आप धनतेरस या दीपावली के दिन कमलगट्टा पूजन में अवश्य रखें और इसका पूजा करने के बाद कमलगट्टे को अपने धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता अवश्य ही मिलती है और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और दोस्तों, लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, समुद्र से अवतरित हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था और इसीलिए लक्ष्मी जी को कोड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि कोड़ियाँ समुद्र से निकलती है। तो पीली कोड़ी को पूजा में रखने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप धनतेरस या दीपावली के दिन 7-11 पीली कोड़ियाँ अवश्य ही खरीद के लाएँ और इसे पूजा में अवश्य रखें। पूजा के बाद इसे आप अपने धन स्थान पर रखें, इससे लक्ष्मी जी पूरे वर्ष आप पर प्रसन्न रहती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को मोती शंख बेहद पसंद है और मोती शंख बहुत ही चमत्कारी होता है। मोती शंख को घर में रखने से धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच में सामंजस्य बना रहता है, जिससे घर में होने वाले झगड़े भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो धनतेरस या दीपावली के दिन आप एक मोती शंख अवश्य ही खरीद के लाएं और इसे पूजा में रखिए और उसके बाद में अपने धन स्थान पर इसे रखिए। तो दोस्तों, ये कुछ वस्तुएं थी जो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, तंत्र मंत्र शास्त्रों के अनुसार और हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताई गई विधियों में इन्हें सम्मिलित किया गया है। इन सभी का संकलन हमने आप सभी के लिए इस वीडियो में किया है ताकि आपको इसका पूरा पूरा जानकारी आपको मिल सके और इसका पूरा पूरा लाभ आप ले सकें। तो इस बार लक्ष्मी पूजन में इन वस्तुओं को अवश्य ही सम्मिलित करिए। जितनी अधिक वस्तुएं आप लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित कर सके, कोशिश करिए उतनी अधिक वस्तुओं को आप लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही सम्मिलित करिए। तो दोस्तों, यह वीडियो खास आपके लिए तैयार किया गया था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करने के साथ ही घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महालक्ष्मी। दीपावली आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ हो। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।